हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ बेलेनोब्लास्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स एंड ब्रैंकियल सैक। और गिल स्लिट्स और ब्रैंकियल सैक के साथ ही ये ब्रैंकियल सैक ओपन होता है आउटसाइड थ्रू द गिल पोर्स। तो हम बात करेंगे जो हमारा ये हमारा बेलेनोब्लास्ट्स एनिमल है, तो एनिमल का जो फेरिंग्स रीजन होता है, इसी फेरिंग्स रीजन में हमारे गिल स्लिट्स डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो हम इस जो है फेरिंग्स रीजन को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वेंट्रल पार्ट को हम लोग जो है वो वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन बोलते हैं, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ा उसमें देखा। और इसके डॉर्सल पोर्शन को हम लोग जो है वो डॉर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। बिकॉज दिस फेरिंग्स डॉर्सल फेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस यू शेप्ड गिल स्लिट्स इन टू रो। दो रो में न्यूमरस गिल स्लिट्स यू शेप के पाए जाते हैं, जो कि परफोरेटेड होते हैं और जो है बाहर की तरफ ओपनली ओपन होते हैं ये थ्रू द गिल पोर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम गिल स्लिट्स को डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे दिखते हैं और कैसे इनका अरेंजमेंट होता है, टू लाइनिंग में कैसे अरेंजमेंट होता है, कैसे ये वाटर से अपना जो है रेस्पिरेशन का काम करते हैं, कैसे ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो अब हम इस स्लाइड में गिल स्लिट्स का इनलार्ज फॉर्म में देखेंगे कि कैसे ये टू रो में अरेंज होते हैं। तो ये गिल स्लिट्स का एक पोर्शन है जिसको हम लोग दिस हॉलो प्रोजेक्शन इज कॉल्ड टंग बार। इसको हम लोग टंग बार बोलते हैं, जिसके अंदर एक हॉलो कैविटी पाई जाती है, एक हॉलो कैविटी जिसको हम लोग सिलोमिक कैविटी बोलते हैं। तो दिस स्पेस इज कॉल्ड सिलोमिक कैविटी। एंड द पोर्शन ऑफ फेरिंजियल वॉल बिटवीन टू एडजेसेंट गिल स्लिट्स कॉल्ड सेप्टा। और दो गिल स्लिट्स के बीच में ये फेरिंजियल की वॉल है। दिस इज द वॉल ऑफ फेरिंग्स, पूरी फेरिंग्स की वॉल है। और दो गिल स्लिट्स के बीच में जो एक सॉलिड प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको हम लोग सेप्टा कहते हैं। और सेप्टा के पास कोई भी सिलोम नहीं पाया जाता है। एंड द टंग बार एंड सेप्टा आर इंटरनली सपोर्टेड बाई काइटिनस स्केलेटन एंड फॉर्मिंग द एम शेप रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो सपोज ये इस तरीके से, ये एक आपका गिल बार है या आपका टंग बार है, उसके बाद बीच में एक आपका सॉलिड जो है सेप्टा पाया जा रहा है एंड दिस इज द अगेन टंग बार। तो इन दोनों के बीच में एक काइटिनस का बना एक एंडोस्केलेटन पाया जाएगा जो कि हमारे गिल स्लिट्स को सपोर्ट करेगा। तो इट लुक्स लाइक जो है अल्फाबेट लेटर एम, इसीलिए ये एम की तरह हमें दिखता है। अगेन हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे एम। तो दिस इज द एम जो कि हमने प्रीवियस जो है एंडोस्केलेटन के लेक्चर सीरीज में जो है लेक्चर में देखा था कि कैसे हमारा जो गिल्स है उसको हमारा काइटिनस स्केलेटन सपोर्ट करता है। तो गिल्स आर नॉट डायरेक्टली ओपन टू आउटसाइड, कोई भी गिल स्लिट्स डायरेक्टली आउटसाइड ओपन नहीं होता है, बल्कि ये सारे गिल स्लिट्स जो है मिल करके ओपन होते हैं एक पाउच में दैट प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड फेरिंग्स कॉल्ड ब्रैंकियल सैक। इसको हम लोग ब्रैंकियल सैक बोलते हैं। तो ये हमारा जो गिल स्लिट्स है, सपोज यहाँ से ये वाटर इंटर किया, उसके बाद वाटर इंटर करने के बाद गिल स्लिट्स से होता हुआ ये इस पोर्शन में पहुँचा। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड ब्रैंकियल सैक। तो लगभग दो सभी गिल स्लिट्स से जो है पानी आ करके और एक जगह पे कलेक्ट होगा जिसको हम लोग ब्रैंकियल सैक बोलेंगे। और ये ब्रैंकियल सैक आउटसाइडली ओपन होगा एक पोर से, इस पोर को हम लोग गिल पोर बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ब्रैंकियल सैक। और ब्रैंकियल सैक से जो है पानी गिल पोर से जो है पास हो गया। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की, कि कैसे जो है वाटर एंटर करेगा और जो है कैसे हमारा गैसियस एक्सचेंज होगा। तो द प्रोबोसिस रीजन हैव द लैटरल लाइनिंग ऑफ सीलिया
दैट मेंटेन अ रेस्पिरेटरी करंट ऑफ वाटर. तो सपोज ये हमारा कोस्टल एरिया है जहाँ पे इस तरीके से बेलेनोग्लॉसस अपने प्रोबोसिस को प्रोजेक्ट आउट करके जो है रखता है और यू शेप्ड के बरों में ये अंदर की तरफ रहता है एनिमल और प्रोबोसिस को निकाल रखा है. प्रोबोसिस पे बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं और ये सीलिया वाटर को एक मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक करंट जनरेट करते हैं. यहाँ पे फूड कम वाटर करंट, क्योंकि वाटर में जो है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जिसको ये जो है खाते भी हैं, जैसे प्रोटोजोआ, डायएटम्स, इन सबको. तो एक वाटर करंट जनरेट होगा, जो वाटर करंट देन माउथ के जरिए होता हुआ बक्कल कैविटी और फिर बक्कल कैविटी से आपका फेरिंग्स, देन गिल स्लिट्स, देन ब्रैंकियल सैक्स और ब्रैंकियल सैक्स से होता हुआ ब्रैंकियल पोर से पानी बाहर निकल जाएगा. अगेन हम इस फिगर में यहाँ देखते हैं तो ये प्रोबोसिस रीजन है. प्रोबोसिस रीजन में गिल स्लिट्स पाए जाएंगे जो कि वाटर को एक मूवमेंट प्रोवाइड किए. तो माउथ से होते हुए वाटर बक्कल कैविटी में आया, देन बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में गया, देन फेरिंग्स से ये जो है आया हमारे गिल स्लिट्स में. यहाँ पे इस तरीके से यू शेप की गिल स्लिट्स पाई जाएंगी और गिल स्लिट्स से ये आया हमारा वाटर ब्रैंकियल सैक में. ब्रैंकियल सैक में आने के बाद हमारा ब्रैंकियल सैक परफोरेटेड होता है, उसके पास बहुत सारे गिल स्पोर पाए जाते हैं और पानी ब्रैंकियल सैक से गिल पोर से होते हुए जो है आउटसाइड मीडियम में जो है बाहर जो है वापस पानी आ जाता है. सो अब फ्रॉम माउथ टू हमारे ब्रैंकियल सैक तक जो है कैसे गैसियस एक्सचेंज हुआ, इसको हम लोग देखते हैं. तो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में अभी देखा इस तरीके से हमारे टंग बार जो है बीच में सेप्टा और उसके बाद अगेन नेक्स्ट टंग बार, फिर बीच में सेप्टा और नेक्स्ट जो है हमारा टंग बार अरेंज है जिसको हम लोग गिल स्लिट्स बोलते हैं. तो ये टंग बार जो है पार्टिसिपेट करते हैं गैसियस एक्सचेंज में. जो भी ब्लड वेसल्स यहाँ पे आई हुई होती हैं और जो है अपनी सप्लाई देती हैं गिल स्लिट्स को, ये एक लैकुनर नेटवर्क का फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि हमारा बेलेनोग्लॉसस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ओपन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लैकुनर टाइप होता है. लैकुनर टाइप का मतलब होता है कि दिस इज द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर ब्लड सर्कुलेट थ्रू ओपन स्पेस. मीन्स कई सारे ब्लड वेसल्स जो है डायरेक्ट ओपन स्पेस में अपने ब्लड को पोर कर देते हैं और ये ओपन स्पेस लैक्यूनी कहलाता है. और इस लैक्यूनी में हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन ऐसा लगता है जैसे बाथ कर रहे हो, नहा रहे हो. तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो भी हमारा वाटर यहाँ पे आया हुआ है उससे जो है हमारा वाटर ब्लड से टंग बार में जो है जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर में उसको ले लेगा और अगेन वाटर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न कर देगा. तो अब हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसे होता है, कैसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम किन किन जो है वेसल से मिलकर के बना होता है और कैसे अपना वर्क करता है. तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप. तो अभी हमने पीछे ही इस बात को पढ़ा कि इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होता है, एक लैकुनर टाइप का जो है एक लैकुनर सिस्टम बनाता है. लैकुनर सिस्टम का मतलब होता है इट इज़ अ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेट थ्रू द ओपन स्पेसेस. एक प्लेक्सस बना करके एक जो है ओपन स्पेस में गुच्छा बना करके लैकुनी बना करके जो है अपने जो भी एक्सचेंज है ये वहाँ पे करता है. तो ब्लड की बात करें तो इसका ब्लड कलरलेस होता है, इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है. अगर हम बात करें जैसे हायर एनिमल्स की ह्यूमन में, तो ह्यूमन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज रेड इन कलर. और फ्यू वाइट कॉर्पसेल्स पाई जाती हैं जो कि प्रोबेबली डिटैच होती हैं. कहा जाता है कि ये डिटैच इंडोथेलियल सेल ही है, दैट इज नॉट ट्रू. वाइट कॉर्पसेल्स जैसे कि ह्यूमन में पाया जाता है. अब हम बात करेंगे सेंट्रल साइनस की या हार्ट वेसिकल्स की. तो यहाँ पे सेंट्रल साइनस या जो भी साइनस वर्ड का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड पूरी तरह से कैपिलरी या पूरी तरीके से क्लोज्ड नेटवर्क में नहीं बह रहा है. यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो पॉसिबल है क्योंकि ओपन टाइपली इस तरीके से ओपनली छोड़ दिया जाता है ब्लड को जा करके उन डिफरेंट ऑर्गन के पास और उन्हीं ऑर्गन के पास से ब्लड कलेक्ट भी हो जाता है. वो ऑर्गन उसको उसमें से जो
भी चीज़ें इंटेक करनी होती हैं और फिर कलेक्टिंग जो हमारी डक्ट्स होती हैं उसको कलेक्ट भी कर लेती हैं और वापस हर्ट को जो है जा करके इम्प्योर ब्लड, वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, मिक्सड होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम यहाँ पे बेलेनोब्लास्टस में देखेंगे हर्ट की सिचुएशन। तो इट इज़ स्मॉल इलोंगेटेड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल साइनस सिचुएटेड इन द प्रोबोसिस रीजन। तो हमारे प्रोबोसिस रीजन में अबव द बक्कल डाइवर्टिकुलम के जस्ट ऊपर ये सेंट्रल साइनस हर्ट सिचुएटेड होता है। और अगर हम बात करें तो ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, बट सपोज ये एनिमल का डॉर्सल रीजन है और ये एनिमल का वेंट्रल रीजन है। तो जो डॉर्सल पार्ट हर्ट का होता है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होता है, जबकि जो वेंट्रल पोर्शन होता है हर्ट का वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिदमिकली प्रोड्यूसिंग द प्रोपल्सन एक करंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो फर्दर ग्लोमेरुलस में मूव करता है और फिर ग्लोमेरुलस के बाद आगे की तरफ प्रोबोसिस में और पीछे की तरफ जो है हमारे वेंट्रल में पूरी बॉडी में जो है ये मूव करता है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल फाइनली पहले देख लेंगे कि सर्कुलरी सिस्टम जो है कैसा होता है। तो दिस इज़ द सेंट्रल साइनस और जिसको हम लोग हर्ट बोलते हैं, विच आई सो इन रेड इन कलर, रेड कलर का ये हर्ट है। ये अपने ब्लड को पंप करता है ग्लोमेरुलस में, अगेन ग्लोमेरुलस टू कैपिलरी की मदद से आगे की तरफ मिड डॉर्सल एंड मिड वेंट्रल, एक डॉर्सल की तरफ कैपिलरी और एक वेंट्रल की तरफ कैपिलरी में ब्लड को फ्लो करती है, जो प्रोबोसिस को जो है पूरी ब्लड सप्लाई देता है। फिर अगर हम बात करें तो ग्लोमेरुलस से ही पीछे की तरफ जो है दो वेसल्स निकलती हैं जो कि आगे जाकर के कंबाइंड हो जाती हैं। ये दो वेसल्स कंबाइंड होकर के, इसे हम लोग इफरेंट ब्रेंकियल वेसल भी बोलते हैं, ये दो वेसल्स कंबाइंड होकर के वेंट्रल वेसल बनाती हैं, जो कि वेंट्रल वेसल, ये मैं रेड कलर से भी शो कर रही हूँ आपको, ये वेंट्रल वेसल पूरी बॉडी में जो है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई देती है, वो चाहे कॉलर रीजन को देना हो, चाहे आपके ब्रेंकियल यानी गिल्स रीजन को देना हो, या फिर जो है सप्लाई हमारे इंटरनल ऑर्गन में, हमारे इंटेस्टाइन में देना हो, या हमारे स्किन में देना हो, बेलेनोब्लास्टस की स्किन में सप्लाई देना हो, ये जो वेंट्रल ब्लड वेसल होती है ये पूरी बॉडी को सप्लाई देती है। उसके बाद पैरेलली हमारी डॉर्सल जो ब्लड वेसल है वो भी प्रेजेंट होती है, जो कि सारे इंटरनल ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करते हुए, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करते हुए फिर अगेन जो है ब्लड को ये गिल्स से इंटेस्टाइन से सारे ब्लड को कलेक्ट करते हुए हमारे जो कि हमारा सेंट्रल साइनस है, हमारा हर्ट है, उसको उसके पोस्टीरियर रीजन में ब्लड को जो है जाके पोर कर देती है और फिर हमारा हर्ट जो है वो ग्लोमेरुलस को ब्लड देता है। ग्लोमेरुलस इज़ जस्ट लाइक ए किडनी, ग्लोमेरुलस जो है किडनी के जैसे वर्क करता है और वो वेस्ट मटेरियल को, जो भी उसका अमोनिया वाला पार्ट है, उसको ब्लड से निकाल देता है और फिर आगे की तरफ जो है प्योर ब्लड को अगेन फिर वही आगे की तरफ दो वेसल से प्रोबोसिस में सप्लाई और फिर वेंट्रल ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में सप्लाई होगी। तो आगे हम इसको और डिटेल में भी देखेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को। सो द सेंट्रल साइनस रिसीव ब्लड फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, जैसा मैंने आपको बताया कलेक्टिंग डक्ट से रिसीव करेगा, एंटीरियरली इट पंप इन टू द ग्लोमेरुलस, एक प्लक्सिस में जो है भेजता है, जिसको प्लक्सिस को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस ब्लड गेट रीड इट्स वेस्ट एंड पास्ट इट थ्रू इट टू द प्रोबोसिस पोर, और प्रोबोसिस पोर से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। नाउ द प्योर ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाया जो है वेसल्स और आर्टरी से जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आगे की तरफ जो दो आर्टरी होती है उसको हम लोग मिड डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी और मिड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी कहते हैं। एंड अगेन टू इफरेंट ग्लोमेरुलस आर्टरी जो कि नीचे की तरफ जो है ट्रेवल करती है, ट्रेवल बैकवर्ड एंड यूनाइट टू फॉर्म द वेंट्रल आर्टरी। तो ये वेंट्रल आर्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वेंट्रल आर्टरी ही हमारे पूरे बेलेनोब्लास्टस की बॉडी में ब्लड को जो है सप्लाई करती है। तो ये वेंट्रल आर्टरी आगे जाकर के तीन भागों में बढ़ जाती है, वेंट्रल कॉलर ब्लड वेसल, रिंग ब्लड वेसल और एफरेंट ब्रेंकियल ब्लड वेसल, जो ब्रेंकियस को यानी गिल रीजन को और गट रीजन को भी यही सप्लाई जो है वो देता है, यही गट रीजन को भी सप्लाई देता है। अब हम बात करेंगे कलेक्टिंग की। तो कलेक्ट करके अब ब्लड की सप्लाई, तो सबको ब्लड दे दिया गया, अब ब्लड को कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्टिंग वेसल्स में और वेन्स जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें हमारा आएगा इफ्रेंट ब्रेंकियल्स एंड जो है
वीनस साइनोसस। तो इस फिगर के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कैसे ब्लड जो है वो जा रहा है और कैसे अपनी जो है सप्लाई ये कर रहा है। तो हम सबसे पहले सेंट्रल साइनस से स्टार्ट करेंगे। तो दिस ब्लू पोर्शन इज कॉल्ड सेंट्रल साइनस। तो सेंट्रल साइनस में हमारे पोस्टीरियर पार्ट में जो भी ब्लू कलर का ब्लड है, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर इसलिए दिखाया हुआ है कि जनरली हम लोग इम्प्योर ब्लड को ब्लू कलर से दिखाते हैं, बट ये जो है ब्लड पूरी तरह से, मैंने आपको बताया यहाँ पे जो भी सर्कुलेशन है वो कैपिलरी में नहीं हो रहा है, इसीलिए मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड हो सकता है, मिक्सिंग है, इसीलिए ये लैकुनर टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसलिए हम लोग इसको ओपन टाइप ब्लड सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो सेंट्रल साइनस से ब्लड एंटीरियर की तरफ ग्लोमेरुलस में भेज दिया गया और दिस पोर्शन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस जो है जो भी अमोनिया वाला पार्ट है वो ब्लड से छान करके वो सिलोम में गंदगी को भेज देगा, यूरिन को सिलोम में भेज देगा, और जो भी प्योर ब्लड है उसको टू कैपिलरी के फॉर्म में एंटीरियर टू एक डॉर्सल के साइड में, दिस इज जो मैंने अभी ये ड्रॉ किया, दिस इज वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी एंड दिस इज डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी। तो वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी और डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी हमारे प्रोबोसिस को ब्लड सप्लाई देगी। अब हम बात करेंगे ग्लोमेरुलस से पीछे की तरफ दो जो है आर्टरी निकलेंगी जो आगे जाके यूनाइट हो जाती हैं। शुरुआती दौर में इस आर्टरी को हम लोग पेरी बक्कल आर्टरी भी बोलते हैं, क्योंकि पेरी बक्कल का मतलब जो शुरुआत में बक्कल कैविटी को ब्लड यहाँ पे ये बक्कल कैविटी को इस तरीके से प्लक्सेस बना करके लैकुनर सिस्टम से बक्कल कैविटी में जो है सप्लाई दे देगी यहाँ पे, इसीलिए हम लोग इसको पेरी बक्कल आर्टरी भी बोलते हैं, जो आगे जा करके एक वेंट्रल वेसल बनाएगी, कंबाइंड एक मोटी वेसल बनाएगी जिसे हम लोग वेंट्रल वेसल कहेंगे। तो ये वेंट्रल वेसल रिंग वेसल में कन्वर्ट हो जाएगी, रिंग कॉलर वेसल जो कि कॉलर रीजन को सप्लाई देगी। उसके बाद ये वेंट्रल वेसल जो है इंफ्रंट ब्रैंकियल वेसल में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि हमारे यहाँ पे ब्रैंकियल रीजन को सप्लाई देंगे। सपोज ये यहाँ पे हमारे ये गिल्स प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे गिल्स को पूरी ये जो है सप्लाई देगी, और इसके बाद ये आगे बढ़ेगी और आगे जाने के बाद ये हमारा इंटेस्टाइन रीजन है जिसको मैंने ये आई से डिनोट किया है, एलिमेंट्री कैनाल रीजन। तो ये वेंट्रल ब्लड वेसल एलिमेंट्री कैनाल को सप्लाई देगी। एलिमेंट्री कैनाल को सप्लाई देने के बाद कुछ ये देखिए ये स्किन को भी सप्लाई दे रही है बाहर की तरफ, स्किन को भी सप्लाई देगी। और इस तरीके से अगर अब हम बात करें तो पूरे एनस तक ये वेंट्रल वेसल जो है सप्लाई ब्लड की कर रही है। पैरेलली अगर हम बात करें तो यहाँ से मैंने ब्लू कलर से जो है वो कलेक्टिंग वेसल्स को दिखाया, दीज आर कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स। अब ये कलेक्टिंग वेसल्स जो एनएस की तरफ होंगी, कलेक्टिंग वेसल्स वो एनएस से जो है ब्लड को कलेक्ट कर लेंगी। कुछ स्किन से देखिए, ये स्किन से ब्लड को कलेक्ट कर रही हैं, ये स्किन से, और ये जो है इंटेस्टाइन से ब्लड को कलेक्ट कर रही हैं। तो इंटेस्टाइन से ब्लड को कलेक्ट किया, ये स्किन से ब्लड को कलेक्ट किया और आगे की तरफ बढ़े। जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे ब्लड में CO2 और O2 का एक्सचेंज भी हो जाएगा, बट क्योंकि ये लैकुनर टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन स्पेस में ब्लड को छोड़ दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो ब्लड में मिली रहेंगी। फिर आगे की तरफ जो ब्लड होगा उसको हम लोग जो है वीनस साइनोसस में भेज देंगे। वीनस साइनोसस अपने ब्लड को फिर सेंट्रल जो है वो हार्ट में भेज देगा जिसको हम लोग सेंट्रल साइनस बोलेंगे। अगेन फिर वही पाथवे, सेंट्रल साइनस से ब्लड ग्लोमेरुलस में जाएगा एंड देन ग्लोमेरुलस से फिर प्रोबोसिस आर्टरी में, प्रोबोसिस आर्टरी से फिर वेंट्रल वेसल में, और इस तरीके से हमारा जो सर्कुलेशन है वो बेलेनोग्लोसस में वो ब्लड का होता है। अब हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से जो भी सर्कुलेशन है हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बेलेनोग्लोसस में उसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे यहाँ से तो सेंट्रल साइनस जो कि हार्ट ऑफ द बेलेनोग्लोसस होता है, प्रेजेंट इन द प्रोबोसिस रीजन जस्ट अबव द बक्कल डाइवर्टिकुलम के जस्ट ऊपर होता है। तो सेंट्रल साइनस जो है ब्लड को फ्लो करता है ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस जो भी हमारे ब्लड में वेस्ट मटेरियल होता है नाइट्रोजन के फॉर्म में बेलेनोग्लोसस में, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है ये रिमूव कर देता है और ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो फिर प्रोबोसिस पोर के माध्यम से बाहर चला जाता है। अब हम बात करेंगे ग्लोमेरुलस दो आर्टरी के फॉर्म में
जो है आगे की तरफ ब्लड को सप्लाई करता है प्रोबोसिस को। एक का नाम होता है मिड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी और दूसरे का नाम होता है मिड डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी। तो दोनों आर्टरी मिल करके आगे की तरफ प्रोबोसिस रीजन को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब हम बात करें ग्लोमेरुलस से, दो जो है एफरेंट ग्लोमेरुलस आर्टरी निकली होती है। ये एफरेंट ग्लोमेरुलस आर्टरी जो है बाद में मिलकर के एक मोटी वेंट्रल ब्लड वेसल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये ब्लड वेसल्स जो है वेंट्रल कॉलर रीजन में भी जो है ब्लड को सप्लाई करती है और शुरुआती तौर पे यहाँ एक पेरीब्रैंकियल आर्टरी होती है, पेरीब्रैंकियल आर्टरी जो कि ब्रैंकियल रीजन को जो है ब्लड सप्लाई करेगी। पेरीब्रैंकियल आर्टरी जो कि ब्रैंकियल रीजन में सप्लाई करेगी। अब हम बात करेंगे रिंग ब्लड वेसल की जो कि हमारे कॉलर रीजन में सप्लाई करेगी एंड एफरेंट गिल्स आर्टरी, इट इज़ कॉल्ड एफरेंट गिल्स आर्टरी जो कि हमारे गिल रीजन को जो है ब्लड सप्लाई करेंगी। ये गिल रीजन को सप्लाई करने के बाद जो हमारी ये मोटी ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल हमारे एलिमेंट्री कैनाल को सप्लाई करेगी और साथ ही साथ इस जो है स्किन को सप्लाई करेगी। अब इसी के जस्ट पैरेलल जो कि हमारी कलेक्टिंग वेसल होती है, कलेक्टिंग डॉर्सल वेसल, ये सभी रीजन से ब्लड को कलेक्ट करेगी। तो ये एलिमेंट्री कैनाल और स्किन से ब्लड को कलेक्ट करेगी और ईफ्रंट जो है गिल जो वेसल जो होंगी उससे जो है ये ब्लड को कलेक्ट करेगी और उसके बाद ये कॉलर रीजन से ब्लड को कलेक्ट करेगी। ये दीज ब्लू कलर से जो ये हैं, दीज आर कॉल्ड ईफ्रंट गिल वेसल्स एंड दीज ब्लैक कलर आर कॉल्ड एफरेंट गिल वेसल्स। इसको हम लोग एफरेंट गिल वेसल कहते हैं जिसने जो है यहाँ पे एक प्लक्सस बनाया, इसी प्लक्सस को हम लोग लैकुनर जो है प्लक्सस भी बोलते हैं। यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ द ब्लड होती है, कोई भी कैपिलरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, डायरेक्ट ओपनली ब्लड को यहाँ पे सभी ऑर्गन्स में छोड़ दिया जाता है। अब जो हमारी कलेक्टिंग डॉर्सल वेसल है ये सभी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट कर रही है। तो एलिमेंट्री कैनाल से कलेक्ट किया, इसके बाद गिल पोर्शन से कलेक्ट किया, फिर हमारे कॉलर रीजन से कलेक्ट किया, उसके बाद हमारे बक्कल रीजन से कलेक्ट करेंगे, देन सारा का सारा ब्लड हमारे वीनस साइनस को दे दिया जाता है। अगेन वीनस साइनस सेंट्रल साइनस को जो है ब्लड ट्रांसफर कर देता है और फिर जो हमारा सेंट्रल साइनस होता है वो ग्लोमेरुलस को और फिर अगेन ग्लोमेरुलस जो है वो दोनों प्रोबोसिस आर्टरी में और इस तरीके से जो हमारा एक चक्र है, ये जो सर्किल है हमारा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारा जो है चलता रहता है। आज मुझे लगता है अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और इसी तरीके के बहुत सारे एनिमल्स के वीडियो देखने के लिए जो है जुड़े रहिए, इसे शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।